हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं विजय कुमार शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी वेब सीरीज़, जिसमें मैं लेके आता हूं आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग के ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं होस्टिंग अकाउंट के बारे में, कितने टाइप्स के होस्टिंग अकाउंट्स अवेलेबल हैं, आपको किस तरीके से अपने लिए होस्टिंग अकाउंट चूज़ करनी है और कैसे उसे परचेज करते हैं। अब हमने वेबसाइट ओपन कर ली है a2hosting.com। अब इस वेबसाइट के अंदर जब आप देखेंगे टॉप नेविगेशन पर पांच ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। शेयर्ड होस्टिंग का आ रहा है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास वर्डप्रेस होस्टिंग का, तीसरा वीपीएस होस्टिंग का, एक रीसेलर होस्टिंग का, लास्ट में डेडिकेटेड होस्टिंग का है। शेयर्ड होस्टिंग की, शेयर्ड होस्टिंग मतलब एक सर्वर पर मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट होती हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी, अदरवाइज आपकी स्टार्टिंग के अंदर वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ये अब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाती है। बहुत सारी कंपनीज हैं वो वर्डप्रेस होस्टिंग भी प्रोवाइड करा रही हैं। 80% 70% जो वेबसाइटें हैं वो बनती हैं आपकी वर्डप्रेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज पर। कुछ कंपनीज ने स्पेशली उन लोगों के लिए स्पेशल एक होस्टिंग पैकेज बनाया हुआ है, जिसमें आपका ऑप्टिमाइज्ड वर्डप्रेस सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बेटर होती है। आपको वो मिनिमम वो सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं जो एक वर्डप्रेस को रन करने के लिए आपको चाहिए। वेब होस्टिंग कंपनियां आपको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर भी देती हैं, जिसमें एक सर्वर में आपको एक प्राइवेट पार्ट आपको मिल जाता है, जिसमें आपके जो रिसोर्सेज हैं डेडिकेटेडली आपके लिए ही अवेलेबल होते हैं। वेबसाइट फास्ट भी हो जाती है और बहुत सारा ट्रैफिक हैंडल भी कर पाती है। अगर कंपेयर करोगे डेडिकेटेड होस्टिंग से तो ये उसका बेटर ऑप्शन है, आपको बहुत सस्ते में मिल जाता है। अब एक रीसेलर होस्टिंग वाला पैकेज भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये पैकेज सिर्फ स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन कंपनीज या एजेंसीज के लिए जो बहुत सारे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनीज। वो क्या करती हैं, यहाँ से रीसेलिंग होस्टिंग का पैकेज परचेज कर लेती हैं, फिर वो आगे अपने क्लाइंट्स को छोटे छोटे पैकेज काट के वो आगे बेचती रहती हैं। इससे वो एक फिक्स अमाउंट आगे होस्टिंग कंपनीज को ट्रांसफ़र करती हैं, जो बाकी रेस्ट ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट है वो उनकी पॉकेट में जाता है। फिर आता है डेडिकेटेड होस्टिंग का। डेडिकेटेड होस्टिंग ये एक पूरा कंप्लीट सर्वर आपके लिए ही डेडिकेटेड हो जाता है, उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आपके पास रहते हैं, सारा कंट्रोल आपके पास है। आप चाहे एक वेबसाइट होस्ट करें, चाहे आप उसके अंदर मल्टीपल डोमेन्स होस्ट करें, वो आपकी मर्जी है उसे किस तरीके से यूज़ करना है। यहाँ पर मैं शेयर्ड होस्टिंग प्लान चूज़ कर रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये सबसे छोटा पैकेज है, इसके अंदर हमारी जो वेबसाइट है बिल्कुल एकदम न्यू है, जिस पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा। अननेसेसरी का हम ज़्यादा कॉस्टली पैकेज लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मुझे लगेगा कि मेरी वेबसाइट के रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, वेबसाइट मेरे ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पा रही है, तो मैं अपने पैकेज में अपग्रेड करा लूँगा। तो मैं क्लिक कर देता हूँ शेयर्ड होस्टिंग पर। हम पहुँच गए हैं शेयर्ड होस्टिंग के पेज पर, जहाँ पर तीन पैकेजेस शो कर रहा है। पहला लाइट, लाइट हमें मिल रहा है 298 रुपीज़ मंथली पर। स्विफ्ट मिल रहा है 373 रुपीज़ मंथली पर। टर्बो मिल रहा है 709 रुपीज़। तो ये तीन पैकेजेस अवेलेबल हैं। मेरे पास ऑलरेडी स्विफ्ट है क्योंकि मेरे पास मल्टीपल डोमेन्स हैं, पर यहाँ पर मुझे सिंगल होस्टिंग के लिए लेना है, सिंगल वेबसाइट को होस्ट करना है, तो मैं यहाँ पर सिंगल वाला परचेज करके आपको दिखा रहा हूँ। मैं परचेज नहीं करूँगा, फाइनल तक नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है। फर्स्ट वाला जो पैकेज है उसमें मुझे मिल रहा है एक डोमेन की होस्टिंग, अनलिमिटेड स्टोरेज और ट्रांसफर, 25 ईमेल अकाउंट मैं क्रिएट कर सकता हूँ अपने डोमेन के ऊपर, फ्री एंड इजी माइग्रेशन मिल रहा है, ईजी कंट्रोल पैनल मुझे मिलने वाला है, फ्री SSL सर्टिफिकेट है, इसके बारे में हम बाद में किसी वीडियो में समझेंगे। साथ में ये ऑफर दे रहे हैं कि एनी टाइम मनी बैक गारंटी। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि किसी भी टाइम मुझे लगे कि इनकी सर्विस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है तो मैं अपना रिफंड वापस ले सकता हूँ, जो हमने यूज़ किया होगा उस मंथ के चार्ज काट के बैलेंस हमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैं क्लिक करता हूँ गेट लाइट पर। अब यहाँ ऑप्शन आ रहा है चूज ए डोमेन। चूज ए डोमेन के अंदर रजिस्टर ए न्यू डोमेन, मेरे पास ऑलरेडी रजिस्टर है। हमने जो डोमेन परचेज किया था surprisemantra.in हम bigrock.in से, तो मैं यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देख लेता हूँ ये क्या है। ट्रांसफर योर डोमेन टू अनदर रजिस्ट्रार, कि मैं अपना पुराना जो एग्जिस्टिंग है डोमेन नेम मैं वो यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने बिगरॉक से लिया था, प्लस साथ में नेम सर्वर्स जो होंगे वो मैं अपडेट कर लूँगा अपने आप। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ surprisemantra.in। अब यहाँ आगे यूज़ का बटन है, मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ।
अब हम आ गए हैं अब कार्ट पे। अब कार्ट वाले पेज पर वो दिखा रहा है कि यहाँ पर द कूपन डैश हैज बीन अप्लाइड टू योर ऑर्डर, साथ में जो पैकेज हमने चूज किया है उसमें हमें क्या क्या चीज मिलने वाली है वो यहाँ पर। अगर मैं एक महीने के लिए लेता हूँ 761 रुपीज का पड़ रहा है, अगर मैं 12 महीने के लेता हूँ तो 685 रुपीज का पड़ रहा है। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो मुझे यहाँ पर कुछ और कस्टमाइज करने के ऑप्शन मिल रहे हैं। जो सर्वर लोकेशन है वो मुझे 4 लोकेशन मिल रही है यहाँ पे, जैसे सिंगापुर है, एम्स्टर्डम है यूरोप के लिए, मिशिगन है आपका यूएस का, यूएस में एक और है एरिजोना, तो मैं सिंगापुर लोकेशन चूज कर लेता हूँ यहाँ पर। जो आपने सर्वर की लोकेशन चूज करनी है अपने कस्टमर को ध्यान में रख के करनी है कि आपके जो कस्टमर हैं किस लोकेशंस पर हैं। अगर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो यूएस की है तो आपने यूएस चूज करना है, अदरवाइज आप यूरोप को टारगेट कर रहे हैं तो यूरोप चूज कर सकते हो। हमारा जो टारगेट बेस है वो हमारा इंडिया का है तो मैं इंडिया वाला लोकेशन चूज कर रहा हूँ। यहाँ पर SSL के 2 ऑप्शंस हैं, एक फ्री वाला जो ऑलरेडी मेरे को इस पैकेज के साथ मिला हुआ है, सेकंड ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पर जो मैं पेड वाला ले सकता हूँ, ये एडवांस SSL प्रोटेक्शन है। मैंने अपनी वेबसाइट पर कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं चलाना हाई लेवल, तो मुझे बेसिक वाले से काम चल जाएगा। अब यहाँ पर मेरे को अगर चाहिए कि मैं अपनी वेबसाइट के लिए डेडिकेटेड IP चाहता हूँ, शेयर्ड IP नहीं चाहता कि बाकी लोगों की IP के साथ मैं शेयर्ड IP मेरी वेबसाइट पर अटैच्ड हो, तो मैं यहाँ पर चेस कर सकता हूँ एक IP को एडिशनल कॉस्ट पर, लेकिन अभी मैं यहाँ कुछ भी एडिशनल चीजें नहीं ले रहा हूँ। अब एडिशनल ऑप्शंस के अंदर यहाँ दिखा रहा है कि आपका जैसे वर्डप्रेस प्री इंस्टॉल चाहिए तो चूज कर सकते हो इसमें से कौन से आपके CMS हैं पहले से प्री इंस्टॉल्ड आपको मिल जाएंगे, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं वर्डप्रेस चूज करता हूँ तो यहाँ पर वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, मैं यहाँ पर नन चूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो चाहिए होगा मैं बाद में इंस्टॉल कर लूंगा। तो यहाँ मैं कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। अब रिव्यू एंड चेकआउट वाला ऑप्शन आ रहा है कि आपने जो प्लान चूज किया है उसे एक बार रिव्यू करके देख लो कि आपका ये जो प्लान है वो ये है, अपने डोमेन नेम surprisemantra.in चूज किया हुआ है, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, लोकेशंस आपको अपने सिंगापुर एशिया चूज की हुई है, आपके SSL सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं, डेडिकेटेड IP मैंने मना किया है, एडवांस बैकअप मुझे नहीं चाहिए, मैं मैनुअल बैकअप ले लूंगा क्योंकि इसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा होने वाली है अगर मैं ऐड ऑन कर, तो मैं चेकआउट वाले बटन पर अब क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर मुझे अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन और पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। मेरे पास यहाँ पर अकाउंट ऑलरेडी है तो मैं इसे लॉगिन भी कर सकता हूँ, अदरवाइज मुझे यहाँ पर क्रिएट करना होगा। ये सारी डिटेल्स हैं, जैसे आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है, ईमेल आईडी फोन नंबर डालना है, ईमेल आईडी वही वर्किंग डालना है जिस पर आपके पास बिलिंग की नोटिफिकेशन आ सके। कंपनी नेम यहाँ ऑप्शनल है, अगर आपको बिलिंग इनवॉइस अगर कंपनी नेम पर चाहिए तो आप यहाँ पर कंपनी नेम चूज करेंगे। प्लस यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन है, जैसे वैट नंबर है, GST नंबर है, यहाँ पर कंपनी का यूज कर सकते हो क्योंकि आपको ये हेल्प करेगा आप अपने इनपुट को क्लेम करने में। प्लस आपके पासवर्ड चूज करने हैं और क्रिएट अकाउंट पे जाना है। यहाँ मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं इसे ऑलरेडी पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ मेरे से पूछ रहा है कि आप पेमेंट ऑप्शन चूज करिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है, इन वीजा का, मास्टर कार्ड, MX, बहुत सारे ऑप्शन है, IMPS भी आप कर सकते हो, पेपाल भी कर सकते हो, स्क्रेल भी कर सकते हो, तो मैं अभी क्रेडिट कार्ड ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। क्रेडिट कार्ड की डिटेल यहाँ डालनी है, आपने परचेस करना है, नेक्स्ट पे जाओगे, आपका क्रेडिट कार्ड के लिए आपका वेरिफिकेशन के लिए आपके पास OTP आएगा, आपने OTP प्लेस करना है और फाइनल चेकआउट पेज तक पहुंचने का वेट करना है। जैसे ही आप परचेज कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास एक इनवॉइस की मेल, अकाउंट की डिटेल्स, cPanel डिटेल्स, नेम सर्वर्स आपको मेल पर मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। होस्टिंग से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डोमेन नेम होस्टिंग को किस तरीके से आपस में कनेक्ट करना होता है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।